देखिए यहाँ पे खेल के जैसे खेल की बात है, तो यहाँ पे जो ज़मीन है वो एलएमसी ज़मीन नहीं है। जब भी गवर्नमेंट मांगती है एलएमसी ज़मीन की, खेल के लिए आपको एलएमसी ज़मीन देनी पड़ेगी, उसके लिए ये होना पड़ेगा, तो वो ज़मीन यहाँ पे इतनी नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पे क्या नाम है अपना, ये पंचायत घर भी नहीं है, ताकि हम कल को कोई गांव की मीटिंग या पंचों की मीटिंग कोई करें तो तालाब वो भी नहीं है, अपना पंचायत घर भी नहीं है। शमशान घाट की सबसे बड़ी अहम समस्या है कि प्रसाद वगैरह में अगर कोई गांव का कोई भी आदमी जिसकी मृत्यु हो जाए तो यहाँ पे शमशान घाट की भी नहीं है। बात सड़क की, हमारा जो सड़क है वो सबसे हालत ख़राब है उसकी, क्योंकि 4-5 गाँवों से मिलता हुआ रास्ता है, इसकी सबसे बड़ी हालत ख़राब है। और गाँव में और पानी की, तालाब की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक एक करके प्रशासन से भी अगर हमें सपोर्ट मिले तो कुछ अलग पैसा मिल जाए, जैसे शमशान घाट का है या पंचायत घर का है, तो धीरे धीरे करके एक एक समस्या दूर हो जाए। अभी आपके 3 साल बचे हैं आपके प्लान के, तो 3 साल में आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं अपने गांव के लिए? मेरी भविष्य की योजनाएं हैं कि मैं यहाँ पे पूरे गांव को, जहाँ रास्ते हैं हमारे गांव में, क्योंकि रास्तों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है, तो मेरा मानना यह है कि मैं पूरे गांव के रास्ते बन जाऊँ और शमशान घाट और तालाब की जो हमारा सौंदर्यकरण हो जाए, जो मेन गांव के बीच में है, और मेरे जो एक बागपत से यहाँ तक की जो सड़क है वो हो जाए, और अपने जो पंचायत घर की है, पंचायत घर की है समस्या है वो दूर हो जाए, और अपने गांव का यही है कि मेन समस्या है बीपीएल वगैरह और ये सब कार्डों की, मेरी योजना में अपना पूरी हो जाए। आपने कभी प्रयास किया है एक गांव में कोई शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए लाइब्रेरी या कंप्यूटर सेंटर बनाया जाए? नहीं, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया।